हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक सिचुएशन है, ये काफ़ी ख़राब स्थिति में पहुंच गया है। तो कृपया करके आप सभी अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें एवं सुरक्षित रहें। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों को इग्नू से संबंधित कुछ लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ। हालांकि दोस्तों कुछ अपडेट्स ऐसे भी हैं जो कि पहले ही अपडेट किए जा चुके हैं, पहले ही आप लोगों को पता चल चुका होगा दूसरे तीसरे चैनल के माध्यम से, लेकिन फिर भी मेरा काम था बताना, तो मैं अब आप लोगों को ये सारे अपडेट अभी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपडेट जो है वो है दोस्तों कॉन्वोकेशन को लेकर के। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो डिग्री डिलीवरी होती है, मतलब जैसे कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं इग्नू में, तो आपको कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको जो है आपकी डिग्री बाय पोस्ट आपके घर पे मिल जाती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इग्नू ने डिग्री डिलीवरी पोर्टल है, मतलब कन्वोकेशन पोर्टल है, उसको ओपन कर दिया है। वैसे सभी स्टूडेंट जो कि 33rd मतलब 33वां और 34वां कन्वोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वे सभी स्टूडेंट अब 33वें और 34वें कन्वोकेशन के लिए अब जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपली यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पर जो घोषणा जो पत्र है यहाँ पर एक बार सिंपली क्लिक कर देना और आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करके अपना अपना कॉन्वोकेशन कर लेना। हालांकि मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को केवल इतना बता देता हूँ कि 33rd मतलब 33 और जो 34th कन्वोकेशन है वो अब ओपन हो चुका है और अब आप लोग 33 और 34th कन्वोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे जो दूसरा अपडेट है वो भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अब ये जो अपडेट है दोस्तों, ये विजयवाड़ा रीजनल सेंटर की ओर से आया है। तो विजयवाड़ा रीजनल सेंटर ने एक एडमिशन लेटर का कंफर्मेशन दिया है स्टूडेंट्स को और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो जिनका एडमिशन अभी जनवरी 2021 साइकिल में हुआ है, तो उनके लिए एक कंफर्मेशन लेटर आया है। प्लस क्या है कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो आए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ कुछ नहीं है, सिंपली दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर SKPBV हिंदू हाई स्कूल प्रेमिसेस आईटोन कोठापेट विजयवाड़ा 520001। तो यहाँ से ये जो लेटर है आया है दोस्तों, ये 13 मई 2021 13th of May 2021 को रिलीज किया गया। तो इसमें कुछ नहीं लिखा गया ज़्यादा, इसमें सिंपली कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि वैसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने इस बार जनवरी 2021 साइकिल में एडमिशन लिया है, तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स दी गई है इग्नू की ओर से और विजयवाड़ा रीजनल सेंटर की ओर से, और कहा गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी मोड एडमिशन हुआ है तो उनके एडमिशन अब कंफर्म हो चुके हैं। तो वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2021 साइकिल में अपने एडमिशन लिए हैं, तो वे अपने एडमिशन के जो कंफर्मेशन स्टेटस है उसको इस लिंक से देख सकते हैं, यहां पर आप लोग देख लीजिए दोस्तों। और अगर आप अपने नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इन सब चीज़ों में अगर आपका कोई गड़बड़ी हो गया है, आपकी कोई गलती हो गई है, तो आप कृपया करके अपने रीजनल सेंटर विजिट करके जो भी समस्याएं हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो आप अपना जो आईडी कार्ड अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक से आप अपने आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। चूँकि दोस्तों पेंडेमिक सिचुएशन है कोरोना का, तो जो लर्नर सपोर्ट सेंटर है वो वे सभी क्या कर रहे हैं, तो गूगल, जूम, मीट, ये सब लिंक के थ्रू क्या कर रहे हैं, तो आपको जो है ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग अवेलेबल करवा के दे रहे हैं। तो आप लोग भी ऑनलाइन अपने अपने इंडक्शन मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और जो इंडक्शन मीटिंग का लिंक होगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दिया जाएगा, ऐसा विजयवाड़ा रीजनल सेंटर वाले कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टडी मटेरियल जो बहुत जल्दी आपको बाय पोस्ट मिल जाएगा हेडक्वार्टर की ओर से। उसके बाद ई कॉपी, मतलब जो पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो ई कंटेंट पीडीएफ ई सॉरी ई कंटेंट ऐप है वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है ई कंटेंट मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में अपने अपने स्टडी मटेरियल लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ई ज्ञान कोश की लिंक से भी अपने अपने स्टडी मटेरियल के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे चलते हैं दोस्तों, क्या और चीज़ें लिखी गई है। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की लिंक भी दी गई है। और यहाँ पर जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट जो है सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम जो है एक्सेप्ट BAG, BCOMG और BSCG को छोड़ करके 31/5/2021, मतलब सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड जितने भी कोर्स हैं उन सभी के असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 31 मई है। एक्सेप्शन में है BAG, BSCG और BCOMG। यहाँ पर BSCG इनरोल नहीं किया गया, लिखा गया नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ BAG, BSCG और BCOMG ऐसे प्रोग्राम है जो कि है तो सेमेस्टर वाइज, लेकिन उनका सारा जो सिस्टम है वो ईयर वाइज ही चलता अब है। डिप्लोमा डिग्री और मास्टर डिग्री प्रोग्राम की जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट है वो है अक्टूबर 2021, मतलब 31 अक्टूबर कह सकते हैं। और जो टर्म एंड एग्जामिनेशन फिलअप की जो
लास्ट डेट होती है दोस्तों वो जून 2021 सेशन के लिए मई जून है, और जो दिसंबर 2021 सेशन है उनके लिए अक्टूबर नवंबर है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग समझ गए दोस्तों, आगे और कुछ नहीं लिखा गया है। अब यहाँ की री रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाएंगे इन फ्यूचर, तो उसके लिए जो आपको लिंक, किस लिंक पे क्लिक करना, तो ये वाली लिंक पे आपको क्लिक करके आपको अपने री रजिस्ट्रेशन कर लेना, और मई टू जून 15 2021 के टाइम में जो री रजिस्ट्रेशन है वो होगा। और जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट जिनका जनवरी में एडमिशन हुआ है, तो वो अपना री रजिस्ट्रेशन जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच करवा सकते हैं, ठीक है। ये बात भी आप लोग समझ गए दोस्तों। और जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो जुलाई और जनवरी के बीच में कभी भी हेल्ड किए जा सकते हैं लर्नर सपोर्ट सेंटर पर। और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है विजयवाड़ा रीजनल सेंटर का, तो वो आप इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, http://rcvijayawada.ignu.ac.in। तो इतनी सारी बातें जो है दोस्तों यहाँ पे लिखी गई हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला नोटिस है वो भी मैं आप लोगों को अब सुना देता हूँ। अगला नोटिस है दोस्तों इग्नू के रीजनल सेंटर जम्मू की ओर से। तो जम्मू के जो रीजनल सेंटर हैं वहाँ पर जो उसमें के अंतर्गत जितने भी स्टडी सेंटर आते हैं, तो सारे के सारे स्टडी सेंटर्स ने अब जो है अपने अपने गूगल फॉर्म के लिंक जारी कर दिए हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट अपने अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि 1201 स्टडी कोड जिस भी स्टडी सेंटर का है, तो उस स्टडी सेंटर के जो स्टूडेंट है वो इस गूगल फॉर्म के थ्रू अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे। उसी तरह 1232 1285 1205P ये सारे जितने भी स्टडी सेंटर्स कोड हैं, तो अपने जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने अपने स्टडी कोड को स्टडी सेंटर कोड को देख ले और गूगल फॉर्म के लिंक पे क्लिक करके अपने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए। ये वाली जो लिंक है, ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला जो नोटिफिकेशन है वो कोलकाता रीजनल सेंटर की ओर से आया है। तो कोलकाता रीजनल सेंटर ने 12 मई 2021 को असाइनमेंट जो कि गूगल फॉर्म के थ्रू उन्हें मिले हैं, तो उनकी एक लिस्ट जारी की है, वो लिस्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये जो लिस्ट है ये है असाइनमेंट जुलाई 2021 अप टू 4/5/2021, मतलब 4/5/2021, 4 मई 2021 तक जितने भी असाइनमेंट गूगल फॉर्म के थ्रू ऑनलाइन मोड में कोलकाता रीजनल सेंटर को प्राप्त हुए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है कोलकाता रीजनल सेंटर की ओर से जारी कर दी गई है। ये 78 पेज की लिस्ट है दोस्तों। तो आप सभी जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन मोड में अपने अपने असाइनमेंट कोलकाता रीजनल सेंटर पर सबमिट किए थे और 4 मई से पहले किए थे, तो वे सभी स्टूडेंट जो है इस लिस्ट में अपना नाम देख लें। और अगर किसी का नाम नहीं है, तो या तो अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट कर ले या स्टडी सेंटर से कॉन्टैक्ट करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले। याद रहे दोस्तों कि इस लिस्ट में उन सभी स्टूडेंट्स के नाम है जिन्होंने केवल ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट किए थे। ऑफलाइन मोड में जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे, तो उन सभी का जो नाम है इस लिस्ट में नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला नोटिस कहां से आया है। तो अगला नोटिस है दोस्तों इग्नू के अलीगढ़ रीजनल सेंटर की ओर से। तो इग्नू के अलीगढ़ रीजनल सेंटर ने भी जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन की लिंक जारी कर दी है। गूगल फॉर्म की लिंक है, इस गूगल फॉर्म के लिंक के थ्रू आपको अपने असाइनमेंट जो है सबमिट कर देने हैं, ठीक है। और सारे जो भी गाइडलाइंस है दोस्तों लगभग सेम है, कोई ज़्यादा गाइडलाइन नहीं है। सबसे पहले तो फ्रंट पेज लगा देना, फिर आईडी कार्ड लगाना है, फिर क्वेश्चन पेपर लगाना है, फिर अपने हैंडमेड जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन है वो लगाना है, A4 साइज के पेपर पे लिखना है, चाहे वो रूल्ड हो या अनरूल्ड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इन सारी बातों को ही यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 मेथड्स दिए गए हैं असाइनमेंट सबमिशन के, वो मैं जरा पॉइंट आउट करके आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला बाय हैंड एट स्टडी सेंटर, आप या तो स्वयं स्टडी सेंटर पर पहुंच करके अपने असाइनमेंट सबमिट कर दे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टडी सेंटर अभी बंद है, कोरोना के चलते स्टडी सेंटर बंद है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप या तो बाय पोस्ट स्टडी सेंटर पर भेज दें या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू अपने असाइनमेंट सबमिट कर दी। तो इन तीनों में जो सबसे बेहतर ऑप्शन है दोस्तों, ये गूगल फॉर्म वाला ऑप्शन है, क्योंकि गूगल फॉर्म हमेशा के लिए ओपन है। लेकिन जो आप बाय पोस्ट स्टडी सेंटर पर अपने असाइनमेंट भेजेंगे, तो उसे कौन रिसीव करेगा नहीं करेगा, या फिर आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे या नहीं होंगे, इसकी गारंटी नहीं होगी। तो कृपया करके आप जो है सबसे बेस्ट होगा कि गूगल फॉर्म के थ्रू अपने असाइनमेंट सबमिट कर दें ऑनलाइन, और स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों अगला नोटिस कहां से आया है, किस रीजनल सेंटर से आया है। तो अगला नोटिस जो है दोस्तों ये दिल्ली 2 रीजनल सेंटर से आया है, और इसके लिए दिल्ली 2 रीजनल सेंटर ने 13 मई 2021 को एक नई गाइडलाइन और असाइनमेंट सबमिशन की लिंक जारी की है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर है गाइडलाइंस एंड लिंक्स फॉर सबमिशन ऑफ टीईई जून 2021 ऑनलाइन असाइनमेंट। तो ये रही दोस्तों लिस्ट। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कि 31 मई 2021 तक आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, ठीक है, अपने सुविधा के अनुसार। अगर स्टडी सेंटर वाले ऑफलाइन असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप ऑफलाइन सबमिट करें, अगर ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऑनलाइन सबमिट करें। अब है कि
प्लीज नोट, डू नॉट सबमिट असाइनमेंट एट रिजल्ट सेंटर दिल्ली 2 ईमेल आईडी, तो मतलब दिल्ली 2 की जो ईमेल आईडी है उस पर अपने असाइनमेंट बिल्कुल सबमिट नहीं करें, पहला नोट है। दूसरा है कि मल्टीपल कॉपीज असाइनमेंट की सबमिट ना करें, आपने अगर एक बार सबमिट कर दिया है तो दोबारा से बिल्कुल सबमिट ना करें, ये बात समझ गए। और अगर आपने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं और आपको कोई रिसिप्ट नहीं मिला है ऑनलाइन में, ठीक है, तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको जो है एक रिपोर्ट एक मेल कर देना है और आपने जो सबमिट किया है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर आपको सीधे सीधे स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पर अपने प्रॉब्लम्स को सबमिट कर देना है, वो लोग सॉर्ट आउट करके देंगे। और जो असाइनमेंट सबमिशन के बाद आप जो ग्रेड कार्ड चेक करना चाहेंगे, आप अपने असाइनमेंट के मार्क्स चेक करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब जून 2021 का रिजल्ट अपडेट होगा, ग्रेड कार्ड अपडेट होगा, उसी समय आपके असाइनमेंट के मार्क्स जो है आपको दिखाई देंगे। उसके बाद नीचे लिस्ट दी गई है दोस्तों, लंबी सी लिस्ट है दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की और सारे स्टडी सेंटर्स कोड दिए गए हैं, स्टडी सेंटर के नाम दिए गए हैं और सारी जो जीमेल आईडी है वो सारी दी गई है। तो आप लोग अपने अपने स्टडी सेंटर देख लें, अपने अपने कोड्स मिला लें और अपने अपने ईज के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दें। अब अगला जो नोटिस है वो है दोस्तों ऑफिशियली इग्नू के वाइस चांसलर की ओर से, प्रोफेसर नागेश्वर राव सर की ओर से, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया है दोस्तों, सिंपली कहा यह गया कि ये जो कोविड 19 का सिचुएशन है ये अनफॉर्चुनेटली अनडाउटली कुछ ज़्यादा ही भयानक हो गया है और इस वजह से यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम आ रही है, मतलब यूनिवर्सिटी अच्छे से सारी चीज़ों को ऑपरेट नहीं कर पा रही है और यूनिवर्सिटी बच्चों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए ये चाह रही है कि एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया जाए और एग्जामिनेशन पोस्टपोन भी हो गया है। और स्टूडेंट को ये भी कह रही है इग्नू और जो प्रोफेसर नागेश्वर राव सर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहें और अपनी अपनी पढ़ाई जो है ऑनलाइन माध्यम से जारी रखें। इसके लिए इग्नू ने जो बेहतर सुविधाएं आप लोगों को अवेलेबल करवाई है, स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाई है, उन सभी का लाभ लें। जैसे कि इग्नू ने ज्ञान दर्शन ज्ञान धारा चैनल को डेवलप किया है, रोज के रोज ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, मतलब ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग करवाई जा रही है, उसके बाद स्वयं प्रभा चैनल है, उसके बाद ज्ञान धारा चैनल है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं इन सभी के माध्यम से आप जो है अपने अपने प्रिपरेशन जारी रखिए, अपने अपने घरों में रहें। तो ऐसी बातें जो है प्रोफेसर नागेश्वर राव सर का कहना है। और आगे प्रोफेसर नागेश्वर राव सर ने एक बात और कही है और वो ये कही है कि यूनिवर्सिटी ने अभी पहले से ही मतलब अपने एग्जामिनेशन जो है जून 2021 के उसको पोस्टपोन कर दिया और यूनिवर्सिटी जो है अभी क्या जो सिचुएशन है उसके बारे में काफ़ी सोच रही है और जब ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगा और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो गाइडलाइंस और नोटिस निकालेगी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी नोटिस डायरेक्टिव और एडवाइजरी जारी करेगी उसी के अनुसार जो यूनिवर्सिटी है मतलब जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वो अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। और जब वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी मतलब इग्नू जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी तो स्टूडेंट को पहले ही कुछ दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो ये सारी बातें जो है इग्नू के जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर नागेश्वर राव सर तो उन्होंने कही है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, मैंने विस्तार से सिर्फ और सिर्फ विस्तार से नहीं संक्षेप में कहना चाहूँगा, संक्षेप में मैंने समरी बता दी, मुझे लगता है कि आप लोग समरी को समझ गए होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा, आज मैंने जितने भी नोटिस आप लोगों को दिए या ये नोटिस आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे के वीडियो में कुछ नई टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।